साथियों, यंग जनरेशन आजकल एक शब्द बहुत बोलती है, गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देश के लिए तो आप सभी गोट ही गोट है। आपका जुनून, आपका समर्पण, आपके बचपन के किस्से सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दूसरे युवाओं को बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मैं देखता हूँ छोटे बच्चे आपसे बहुत प्रभावित है, वे आपको देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। आपको अपने ही सकारात्मक प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ना चाहिए। मुझे ध्यान है, इससे पहले जब मैंने प्लेयर से आग्रह किया था कि वो स्कूल में जाकर बच्चों से मिला करें, तो बहुत से प्लेयर्स स्कूलों में गए थे। उनमें से कुछ यहाँ मौजूद भी हैं। मुझे नीरज एक स्कूल में गए तो वहाँ के बच्चों ने बड़ी तारीफ की नीरज की। मैं आज आप सभी से फिर कुछ ऐसा ही आग्रह करना चाहता हूँ। देश को आपसे भी तो कुछ मांगने का हक है ना, क्यों चुप हो गए, है कि नहीं? नहीं, ढीला बोल रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। देश को आपसे भी तो कुछ अपेक्षा है कि नहीं है, पूरा करेंगे? देखिए मेरे प्यारे एथलीट्स, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का करियर तबाह कर देती है। कई बार जीत की चाहत कुछ लोगों को गलत रास्तों की तरफ ले जाती है, लेकिन इससे ही आपके और आपको, हमारे युवाओं को, आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूँ। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता है और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेगा। और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति के प्रतीक है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से मेडल नहीं आते जी, मानसिक शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आप उसके धनी हैं। ये आपकी बहुत बड़ी अमानत है, वो अमानत देश के काम आनी चाहिए। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। जब भी मौका मिले, कोई भी आपसे बाइट मांगता हो, इंटरव्यू मांगता हो, दो वाक्य ये जरूर बताइए। मैं देश के मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहती हूँ या ये कहना चाहता हूँ, ये जरूर कहिए, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो आपकी बात देश का युवा सुनेगा। मैं आपसे इसे अपना मिशन बनाने का अनुरोध करता हूँ। आपको लोगों से मिलते हुए, अपना इंटरव्यू देते समय, स्कूल कॉलेजों में हर जगह नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जरूर बताना चाहिए। आपको ड्रग मुक्त भारत की लड़ाई को ताकत देने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, आप सुपर फूड की भी अहमियत जानते हैं और ये फिटनेस के लिए कितना जरूरी है ये भी आपको पता है। आपने अपनी लाइफस्टाइल में जिस तरह पौष्टिक खाने को वरीयता दी हुई है और बहुत सी चीजें अच्छी लगने के बाद भी खाने से दूर रहे हैं, क्या खाना जितना महत्व इससे ज्यादा, क्या न खाना वो और महत्व का होता है, वो हमारे नारंग को पूछना, उसकी परेशानी यही है। और इसलिए मैं कहूंगा कि देश के बच्चों में फूड हैबिट्स के संबंध में
पौष्टिक आहार के संबंध में जरूर आप बहुत गाइड कर सकते हैं। आप मिलेट आंदोलन और पोषण मिशन में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको स्कूलों में बच्चों से सही खान पान की आदतों के बारे में अधिक बात करनी चाहिए।